स्वागत है गाइस आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ सब अच्छा है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको लर्निंग कंटेंट विद सिग्नल्स मैं देती रहती हूँ। बाय द वे, यहाँ पर हम कंपाउंडिंग करने वाले हैं बहुत ही कम अमाउंट के साथ। पिछला जो कंपाउंडिंग वीडियो था हमारा $292 का, यहाँ जो ट्रेड था वो लॉस हो गया था, तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बस उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हम अपनी टारगेट को कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा हार्ड चैलेंज के साथ, क्योंकि हमारा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ $10 लगभग है। तो इस वीडियो में आप ये समझोगे कि कैसे आप अपने छोटे अमाउंट को ग्रो कर सकते हो विथ नो रिस्क। चाहे यहाँ पर पहले आप प्रेडिक्शन का ट्रेड टेस्ट करें, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट का ट्रेंड पूरा का पूरा डाउन है, मोमेंटम भी पूरा का पूरा स्ट्रांग है, स्टिल मैंने ट्रेंड की अगेंस्ट ट्रेड टेस्ट किया है कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में सब कुछ एडवांस होने वाला है, मैं ट्रेंड के साथ भी चलूंगी, अगेंस्ट भी चलूंगी, किस कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रही हूँ, या कैंडल रिएक्शन को देख रही हूँ, या चार्ट पैटर्न को देख रही हूँ, या किसी इंडिकेटर का यूज कर रही हूँ, या किसी प्राइस एक्शन को देख रही हूँ, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखो, किसी भी पार्ट को मिस मत करो, वरना प्रॉफिट करने की जगह हो सकता है कि हमको लॉस हो जाए। तो प्लीज यार वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को मिस मत करना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, क्या हो रहा है जरा देखिए यहाँ, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना यार ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ कमेंट जरूर करना अपने डाउट्स, और कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और फर्स्ट ट्रेड हमारा शॉर्ट शॉर्ट विन रहा। चलो बाय द वे गाइस, ये जो शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल से आपको मैं टेलीग्राम पे देती हूँ, तो प्लीज टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, छोटा मोटा जैसा अपडेट है आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। कुछ भी डाउट है तो पर्सनली आप मुझसे वहां पर बात भी कर सकते हो, चाहे कोई गिव अवे हो, चाहे कोई अपडेट हो, चाहे ट्रेडिंग सिग्नल्स हो, चाहे कोई फीस हो, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना। और एक बड़ा अपडेट है आपके लिए जो कि मैं वीडियो के बीच में दूंगी, क्योंकि इंट्रो ही इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर शायद हम आपका टारगेट कब कंप्लीट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, प्लीज उसके लिए रुकना, मैं बीच में आपको बता दूंगी। बाय द वे यहाँ पर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और डोंट वरी मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एक्चुअली मैं $90 से ट्रेड नहीं करूंगी, $15 से करती हूँ, ताकि लॉस भी हो जाए तो $4 बैकअप के लिए हमारे पास रहे। तो ट्रेड क्यों प्लेस किया था, हम सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझेंगे, मार्केट में हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री में ये पाए हम कि मार्केट एक सॉलिड रेजिस्टेंस से जूझ रहा है, और इस सॉलिड रेजिस्टेंस के बाद जो मार्केट डाउन गया है वो सुपर डाउन गया है। ओके, अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, चार्ट को जूम आउट करना है और आपको लेवल देखना है। अगर आपको कोई लेवल मिलता है, लेट सपोज यहाँ पर एक लेवल दिखने को मिल रहा है, और यहीं कहीं पर इस कैंडल के बाद मैंने अपने डायरेक्शन का ट्रेड टेस्ट किया था, आप देखो तो एक लेवल है, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेगा, ले सकता है ना, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्केट को सपोर्ट वर्क करके देता है। ठीक है, यहां से पता चला मार्केट को सपोर्ट मिल सकता था। ओके, अब मैंने क्यों ट्रेड टेस्ट किया, कन्फर्मेशन कैसे मिला, मार्केट पुलबैक के साथ यहाँ पर डाउन गया, डाउन जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट में हमको करेक्शन दिखने को मिला, रश दिखने को मिला, यहाँ पर हमको अंदाजा, एक्चुअली मुझे यहीं पर अंदाजा मिल गया था कि कैंडल ऊपर तक जाके नीचे खत्म हुई है इसकी बॉडी, तो यहाँ पर ये चीज हुआ है और यहीं पर इस रेजिस्टेंस लेवल भी है लगभग, तो यहाँ हमको ये अंदाजा मिला था कि मार्केट में बायर्स है, कहीं ना कहीं है, बट मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा सेलर्स का था, तो हम क्या किए, इस कैंडल जब हम देखे कि अरे ये कैंडल तो रेड बन गया, एंड उसके बाद क्या हुआ, अगेन रेड कैंडल बना। अब मैं आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, प्लीज इसको आप अच्छे से समझना, आंख बंद करके फॉलो मत करना विदाउट प्रैक्टिस, अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट का जो सिनेरियो अभी है वो चीज आपके साथ ना हो और हो सकता है आपको लॉस हो जाए, विच इज मार्केट में यहाँ पर हमको बायर्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव दिखने को मिल रहा है, तो फिर क्या कैंडल बन गया, सेलर्स का बन गया। दैट मींस मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहां तक है, मार्केट की चाह है कि प्राइस को वो उसके आसपास से या उसके आसपास तक गिराए, तो इससे हमको चल गया अच्छा मार्केट भी और डीप डाउन जाना चाहता है, उसका एक लेवल यहां तक सेट हो चुका है, एंड अगेन एक और बुलिश रेड बेरिश कैंडल ही बनती है, जो कि हमको कहीं ना कहीं मार्केट में ये दिखा रहा है कि हाँ मार्केट अपना लेवल तक अपना आ चुका है, अब यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, अप के लिए जा सकते हैं, बिकॉज अगर रेड कैंडल में
डाउन डायरेक्शन की रहती है या अप हो चाहे ना हो, लेकिन डाउन यानी कि नीचे में शैडो होती है तो ये मार्केट में डाउन डायरेक्शन में ताकत को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। यहाँ पर नहीं था मार्केट में लोअर शैडो, चलो कोई बात नहीं। अरे यार उसके बाद में भी नहीं है, यानी कि ओके मार्केट में जो बार बार यहाँ पर हमको लग रहा था कि यहाँ तक मार्केट गिर सकता है वो गिर चुका है, और यहाँ पर ही जो हमको आइडिया मिल गया था कि बुलिश आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, तो इस सपोर्ट लेवल पर हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी थी जो कि हमको विन हो गया। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा डीपली आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बट मैं बार बार बोलती हूँ वही कॉन्सेप्ट हर वक्त करेगा आपको रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा मार्केट में बैक टेस्टिंग भी करना होगा। ऑलराइट, चलो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। अगर आपको पिछला वीडियो याद है तो हमने यही इसी सिनेरियो पे लगभग लॉस किया था, क्योंकि जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला देखो एक यहाँ पर नेक क्रिएट हो गया है, मार्केट क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है, फिर अप गया है और फिर डाउन जा रहा है, तो अब हम ना ही अप की ट्रेड प्लेस करेंगे और ना ही हम डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे तब तक जब तक मार्केट इस जो ये नेक क्रिएट हो चुका है ना इसको या तो तोड़कर डाउन चला जाए या इसको तोड़कर मार्केट मेरा अप चला जाए। तो नेक पे अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो इट कैन बी रिस्की, क्योंकि यहाँ मार्केट को सपोर्ट भी मिल रहा है और ट्रेंड भी डाउन है, क्या पता मार्केट डाउन ही चला जाए। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर मार्केट को अच्छे से रीड करना है नेक पे, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, तो लगातार अगर पास पास पॉइंट दिख रहा है ट्रेड लेने का कोई ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि आप ले सकते हो अगर आपको कुछ कन्फर्मेशन दे रहा है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत उतना नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब मैं यहाँ पर फिर से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करूंगी। मैंने यहाँ पर अभी सिंपली कुछ नहीं देखा है यार, मैंने आग बंद करके ट्रेड प्लेस किया है सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के मुताबिक, क्योंकि मार्केट में जो सपोर्ट लेवल है उस पे मार्केट अच्छा खासा पुल बैक ले चुका है एंड ले लिया है, लेकिन उतना स्ट्रांगली अप नहीं जा पा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है। हालांकि जो भी बुलिश थे उन्होंने एक बार में पावर लगा दिया है, अब बुलिश खत्म हो चुके हैं, यहाँ से मार्केट डीपली डाउन जा सकता है क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया और उसको तोड़ा नहीं है ये बुलिश कैंडल, अगर उसको ब्रेकआउट कर देता तो हम यहाँ पर ऑफकोर्स डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस नहीं करते, या तो करेंसी चेंज करते या तो वेट करते, लेकिन ये जो है ना ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो पाया है तो मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की अपनी जो ट्रेडिंग है उसको किया है एंड आई होप सो कि ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जाए। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से ट्रेड प्लेस करना होता है, आप मैं पिछले वीडियो में भी बोली थी कि दो ट्रेड ही विन करो दिन भर में, या तीन करो या चार करो, चार से ज़्यादा करने का कोई मतलब भी नहीं है। आप देखो प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, लेकिन कौन जानता है कि कौन सा ट्रेड आपका लॉस हो जाएगा और पूरा का पूरा प्रॉफिट को वो खा सकता है। तो कहने का मतलब है एक्यूरेसी इज लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी क्वालिटी इज मोर देन इम्पॉर्टेंट टू एज कम्पेयर टू क्वान्टिटी। क्वान्टिटी पे ज़्यादा फोकस करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स दिन के दो ट्रेड ही विन करेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बनाएगा। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर फुल अमाउंट की तरफ, $32 के साथ हम ट्रेड प्लेस करेंगे और लेट्स वेट कि मार्केट में क्या फिर से पुल बैक दिख सकता है, क्योंकि देखो मार्केट में फिर से सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं आ रहा है, तो क्या मार्केट में अब फिर से मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा, पुल बैक का वेट करे, या मार्केट में डाउन की ही ट्रेड प्लेस कर दे या अप की ट्रेड प्लेस करे, क्या करे? इस कंडीशन पे आप 15 सेकंड के मार्केट को ओपन करो, बिकॉज 15 सेकंड के मार्केट में जहां आपको एक मिनट के मार्केट में एक कैंडल दिख रहा है, 15 सेकंड के मार्केट में वैसे चार कैंडल आपको दिख जाएंगे, और मुझे लाइक कोई सोच सकता है कि जब आप एक मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 सेकंड का मार्केट क्यों देख रहे हो, लेकिन पर्सनली मुझे ये देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है 5 सेकंड के मार्केट में कैंडल कि ये जो रिएक्शन है ना, ये जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो भी ट्रेंड चेंज कर रहा है ये चीज़ हमको दिख जाता है 5 सेकंड के मार्केट में, मुझे पसंद है। तो मैं इसको एज अ क्विक मूव्स के लिए आप कह सकते हो कि आपको 5 सेकंड के मार्केट से काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा, और देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या रिएक्शन दिखने को मिल रहा है। आई होप सो कि ये इसका लो को ना तोड़े, अदरवाइज ओके। अब मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगी, आई थिंक ये चलो ठीक है,
मैंने यहाँ पर अपने डायरेक्शन का ट्रेडिंग कर लिया है। आप ये ना समझना कि मैंने ये जो ट्रेडिंग है वो 5 सेकंड के मार्केट को देखकर किया है, नहीं, मूड तो बन चुका था 1 मिनट क्यों ही देखकर कि अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग करना है, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो मैंने 5 सेकंड से लिया है। देखते हैं ये क्या हमारे हित में है या अहित में है। 1 मिनट के मार्केट में तो आप सबसे पहले देख लो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है और सॉरी सपोर्ट लेवल पर है, तो मार्केट यहाँ से अप जा सकता है। एक्चुअली मुझे भी डर लग रहा है, देखते यार इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि जब मार्केट में आपको इतना खिचड़ी पका हुआ मिल जाता है ना, यहाँ पर देख लो मार्केट कितने अच्छे तरीके से स्टक किया है, तो ज़्यादा फायदा नहीं है ट्रेड प्लेस करने का। करेंसी चेंज कर सकते हैं, साफ सुथरा वॉल्यूम वाले मार्केट में प्रॉफिट करेंगे तो अच्छा हमारे लिए रिस्क रहेगा, कम रिस्क रहेगा। और 15 सेकंड के मार्केट में मैंने क्या देखा था, 15 सेकंड के मार्केट में भी एक ही चीज फॉलो हो रहा है। यहाँ पर दिख रहा है सेलर से कैंडल का जो मोमेंटम है या कहो वॉल्यूम है वो लूज हो रहा है और इसको विन होने देते हैं। ऑल राइट, चलो ये ट्रेड भी हमारा विन हो गया, हुर्रे। अब 15 सेकंड के मार्केट में एक्चुअली देखो तो मार्केट यहाँ से डाउन जाना चाह रहा था, बट फिर भी थोड़ा सा पुल बैक के साथ अप गया और उसके बाद फिर से हमारा यहाँ पर मार्केट डाउन गया है। एंड एक्चुअली 15 सेकंड के मार्केट में उतना ज़्यादा भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट ये कह सकते हो आपकी एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक है, तो एटलीस्ट इतना जो ज़्यादा खिचड़ी पका है रेजिस्टेंस लेवल का, बहुत ज़्यादा पका है यार, यानी कि यहाँ पर झुंड बनाकर सेलर्स है और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं प्राइस को यहाँ तक आने का, एंड देन वो प्राइस को नीचे गिरा सकते हैं। तो उतना उसके पास क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, वो प्राइस ऊपर तक जा सकता है। तो आप कह सकते हो या 15 सेकंड के मार्केट से एक और कंफर्मेशन हमने इस सपोर्ट लेवल पर ले लिया। ऑलराइट, चलो अब आई थिंक इट कैन बी रिस्की, इसलिए मैं सिर्फ $32 से डाउन डायरेक्शन के ट्रेड फेस करूंगी। यहाँ मैंने फुल अमाउंट के साथ ट्रेड नहीं किया है, बट फिर भी मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग की है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि इस लेवल पर यही दिख रहा है यार कि जो मेरे सेलर्स है वो कहीं ना कहीं झुंड बनाकर है। अब यहाँ इतना जो सेलर्स है बहुत ज़्यादा, मतलब देख रहे हो कितना खिचड़ी पक रहा है सेलर्स का, सेलर्स फायर्स, ओ माय गॉड, फाइटिंग हो रही है यहाँ पर। और मार्केट इस लेवल पर आ पहुँचा है उसी लेवल पर, तो एटलीस्ट इस लेवल से मार्केट हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है, डाउन गिर सकता है किस लेवल तक, इस सपोर्ट लेवल तक। तो 1 मिनट की ट्रेडिंग हम इस तरीके से विन कर सकते हैं क्योंकि उतना दूरी हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, बट क्या हो रहा है। ऑलराइट, अब यानी कि हमारा ट्रेंड सच में चेंज हो रहा है, ये ट्रेड लॉस हो गया। डैट्स वे मैंने मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया था, एक्चुअली मुझे फिर भी ये रिस्की लग ही रहा था। तो देखो आपको यहाँ पर अगर अभी मैंने ये फुल अमाउंट के साथ कर दिया होता तो क्या होता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है और यहाँ हमको अमाउंट सेट करना होगा और हम यहाँ डाउन डायरेक्शन के ट्रेड करेंगे। देखो कई बार हो सकता है कि आपकी एनालिसिस सही हो, लेकिन करेक्शन भी होता है मार्केट में, वो एज अ करेक्शन कैंडल की वजह से हमको लॉस हो गया। बट अब मार्केट को डाउन जाना चाहिए क्योंकि 1 मिनट के मार्केट में भी हमको रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है और 15 सेकंड के मार्केट में तो मैंने आपको कहा ही कि खिचड़ी पूरा बन चुका था, मार्केट वहां से डाउन जा सकता है। ठीक है, वो यहाँ पर था, बट मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स दिखे है, करेक्शन हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे क्या अपडेट था मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं आप लोगों के लिए ये सोच रही हूँ कि आप लोगों का इंतजाम बने रहे, आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, आप लोगों की लर्निंग एक्साइटेड के साथ हो, एक्साइटमेंट के साथ हो, यानी कि लर्निंग विद अर्निंग, और अच्छा खासा नॉलेज के लिए मैं आप लोगों के लिए प्लीज़ प्लान कर रही हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम इसको रन करेंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी बताना। एक्चुअली मैं आपके साथ बहुत चीज़ चाहती हूँ शेयर करना, बस आपका लव एंड सपोर्ट का वेट कर रही हूँ। जैसा आपका लव एंड सपोर्ट आएगा मैं ज़रूर इसको करूँगी। तब चलो ये इस रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड था, क्योंकि देखो यार ऐसा नहीं होता कभी भी कि रेजिस्टेंस कोई लाइन है कि मार्केट यहीं से रिजेक्ट होगा, ये एक जोन होता है ना, उसके आसपास से भी हो सकता है। बाय द वे ये जो मैं क्विज की बात कर रही हूँ, इसका सारा अपडेट या फिर इसका जो पिन है या कैसे इसको खेलना है, एवरीथिंग आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें हम प्राइज भी देंगे, बट जो प्राइज होगा वो VIP मेंबर्स को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना एंड VIP मेंबर आप हो, जिसमें हम लोग ऑफकोर्स सोचेंगे $10 फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसा भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, जो भी है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और
बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। इससे क्या होगा ना कि बहुत लोग क्या होता है कि वो ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं होता है, और वो कई लोग मैसेज करते हैं लेकिन देखो यार किसी को हम अगर दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है किसको देना है नहीं देना है। और सच मानो ये देने नहीं देने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपना लर्निंग ही काम आने वाला है, तो क्यों ना आप इसको जीत कर लो। आप एक अच्छे खासे क्वीज में पार्टिसिपेट करो, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ उसी बेसिस पे मैं आपको सिलेबस भी दे दूंगी, उसी बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ये सब कुछ लाइव होगा, मजा भी आएगा और जो विनर्स होंगे उनको प्राइज भी मिल जाएगा। और हर संडे हम लोग करेंगे, इससे क्या होगा कि कभी कोई सब कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म के साथ अर्निंग कर पाएंगे, कैपिटल ले पाएंगे, या फिर है आपके पास तो आपको क्लियर भी होगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसके इसके जरिए। राइट, चलो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो करेंसी चेंज करते एक ही मार्केट में तब से ट्रेड कर रहे हैं। प्लीज़ यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ऑल्सो। और मुझे यहाँ थोड़ा सा ऑसिलेटर का याद आ रहा है और RSI का पिछली बार यूज़ किया था, बट क्या करूँ मुझे RSI बहुत पसंद है, फिर से यूज़ कर लेती हूँ। ओके, अब थोड़ा सा बस आप क्या कर लो, मार्केट को प्रीवियसली रीड करो, आपको पूरा दिख रहा है एक स्ट्रांग लेवल है मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट इतना इजी यहाँ से अपना आ जाए। राइट, तो हमको बस क्या चाहिए, क्या मार्केट सच में डाउन जा रहा है, क्या हम हवा में कोई बात तो नहीं बोल रहे? हवा में भी नहीं बोल रहे क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, यस डाउन जा सकता है। अब एकदम राइट टाइम का मैं यहाँ पर वेट करूंगी, मार्केट थोड़ा सा अप जाएगा तो मैं फिर डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग करूंगी। मार्केट डाउन अप जाना भी चाहिए क्योंकि मार्केट में यहाँ पर भी देखो एक क्विक मूव है, मार्केट यहाँ से अब सपोर्ट ले सकता है। आप कह सकते हो 5 सेकंड का मार्केट रिस्की होता है देखना, लेकिन आप सिर्फ 5 सेकंड का मार्केट को देख के थोड़ी ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, 1 मिनट भी तो देख चुके हैं, 15 सेकंड भी तो देख चुके हैं। 15 सेकंड में क्या था, मार्केट ओवर बॉट में था, 1 मिनट के मार्केट में बहुत स्ट्रांग लेवल है जो कि मैं आपको फिर से भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। थोड़ा सा मार्केट को अप जाने का वेट कर रही हूँ मैं, उसके बाद फिर से डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग करूंगी। और थोड़ा अप जाएगा तो हमारे लिए अच्छा मार्जिन हो जाएगा, एंड आई थिंक अभी ट्रेड प्लेस कर देना चाहिए। ऑलराइट, चलो अब मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट के मार्केट में मैंने क्या देखा था। मुझे लगता है ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये लास्ट ट्रेड होगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था हमारा ट्रेड प्लेस करने का, अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट में कितने लेवल है, एक लेवल भी है, इसको भी एज अ कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर भी है, यहाँ तो पूरा का पूरा मार्केट ही साइडवेज है, तो यहाँ पर देख लो कम से कम इसको अगर पूरा एक कहा जाए तो 1, 2, 3, ठीक है 3 हुआ, ये देख रहे हो कितना मतलब साइडवेज मार्केट है, मतलब यहाँ इतना तो पता चल गया कि स्ट्रांग लेवल है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और कई बार क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काटा बन जाता है, मतलब कि जब ट्रेड प्लेस करो आप अप डायरेक्शन की चाहते हो लेकिन हे भगवान रेजिस्टेंस मिल गया, अब रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड प्लेस करना चाहते हो तो मतलब बहुत खिचड़ी पक जाता है बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस। वो तब होता है जब आपको स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्सेस वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डिफरेंस नहीं पता होता, आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाते हो तब। ओके, ये लास्ट सेकेंड में हो गया ना, मुझे लगा कि या तो रिफंड होगा, और ऑलराइट चलो फिर भी चलो ये ट्रेड हमको विन हो गया बिकॉज मार्केट यहाँ पर क्या किया, करेक्शन लिया, और इसी करेक्शन पर हमने ये ट्रेडिंग जो ट्रेड है उसको कर लिया। आई होप से ये वीडियो आपको पसंद आया।